हाय फ्रेंड, दिस इज दिलीप कुमार अगेन। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं। इवन गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स दोनों में बताऊँगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं जनरली आपको एक वेबसाइट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, लेकिन इस बार मैं एक तीन चार यूट्यूब की ट्रिक लेके आया हूँ जो आपको बड़ी ही इंटरेस्टिंग लगेगी, आई थिंक। ओके, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्रोजोन नाम से हमारे यूट्यूब चैनल है, इसे आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। या आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने हैं तो यहाँ पे चैनल पे आइए, और यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो मैंने बनाए हैं आपके लिए। तो इन वीडियो को देखिए और इंजॉय कीजिए। और ये आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए इस वीडियो को। ओके, चलो मैं बताता हूँ आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियसली आपको मैं गूगल क्रोम में बता रहा हूँ, तो गूगल क्रोम में जाना है। और आप यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो आप कंट्रोल एच दबा सकते हैं, कंट्रोल एच, ओके, या फिर यहाँ सेटिंग में जाके, यस, सो सेटिंग में जाके यहाँ ऊपर हिस्ट्री में, हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। यहाँ हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने मैंने जो जो भी यूज़ किया है, जो जो भी वेबसाइट या वीडियोस देखे हैं, वो सारा जो भी मोमेंट किए मैंने वो सारे ऐड हो गए हैं। यहाँ पे नोटिस करेंगे आप, जो मैंने बुकमार्क से चलाए हैं वहाँ पे स्टार आ जाता है। लाइक मैंने यहाँ से मैंने बुकमार्क बना रखे हैं, तो यहाँ पे स्टार आ गया कि मैंने बुकमार्क यूज करके चलाया है। ओके दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इसे डिलीट कैसे करते हैं। ये सामने ही आपके ऊपर यहाँ क्लियर ब्राउजिंग डाटा यहाँ लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपको पॉपअप आएगा, उस पर आपको सेलेक्ट करना है कि कितने दिन की आप हिस्ट्री डिलीट करना चाह रहे हैं। यदि आप किसी कंप्यूटर पर बैठे हैं तो आप चाहते हैं कि मुझे 1 घंटा यूज किया मैंने, 1 घंटे की हिस्ट्री डिलीट करनी है, या आपने कुछ भी जितना जो आप चाहो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। आप बिगनिंग फ्रॉम, जब से ये ब्राउज़र डला है तब से आप हिस्ट्री डिलीट करना चाहो, मैं 1 घंटे से कर रहा हूँ, सो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि केवल ब्राउजिंग हिस्ट्री डिलीट हो, और जो मैंने डाउनलोड किया वो भी हिस्ट्री डिलीट हो, और जो मैंने ईमेल चेक किए या फाइल चेक किए वो भी हिस्ट्री डिलीट हो, या फिर आप कुकीज़ एंड अदर साइट्स एंड प्लग इन डाटा, इसका मतलब होता है कि जब आप एक साइट पे बार बार विजिट करते हो तो उस पे अपने कुकीज़ बन जाता है, कुछ डाटा स्टोर हो जाता है, ताकि आप जब भी आप उस साइट को अगेन विजिट करो तो उसे लोड होने में इजी हो जाता है। इसलिए आप फेसबुक को आप इतना जल्दी लोड कर पाते हो, क्योंकि वो कुकीज़ से अपने वो डाटा अपने कंप्यूटर में। ओके, पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड लगाए हैं वो भी डिलीट हो सकते हैं। जो भी चेकआउट कर लीजिए आपको जो भी, लाइक मैं इन्हें फिल आउट कर देता हूँ, पासवर्ड कुकीज़ नहीं मिटाना चाहता हूँ मैं। कंटेंट लाइसेंस, जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप सेलेक्ट आल भी कर सकते हैं, और फिर क्लियर ब्राउजिंग डाटा। एंड ये थोड़ा लो यहाँ पे लोड हो रहा है, जो डिलीट कर रहा है हमारे डाटा को। ओके दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बात बताऊंगा कि जो भी अपने कंप्यूटर में डाटा जो पासवर्ड सेव होते हैं उसे कैसे देख सकते हैं। ओके, मैं आपको बताने जा रहा था कि यूट्यूब के कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स देने वाला था। सॉरी दोस्तों, मैं आज कोई वीडियो उसके वेबसाइट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं यूट्यूब के बारे में। तो यूट्यूब में पहला इंटरेस्टिंग टिप है कि आप यहाँ को यहाँ पे जाना है सर्च बार में, यूट्यूब की सर्च बार में, एंड देन आपको सर्च करना होगा यूज द फोर्स लक। यस, जब आप ये सर्च करेंगे तो इंटर मारिए, सर्च पे इंटर मारेंगे, तो आप देखेंगे ये सारे मूवमेंट कर रहे हैं जो भी कंटेंट है इसके। जैसे जैसे आप माउस पे ले जाएंगे, एक्चुअली ये जावास्क्रिप्ट का जावा का कोडिंग की है इस पेज पे, इसलिए ये माउस के बेस पे ये चेंजेज हो रहे हैं। सो सेकंड ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे सर्च करना होगा बीम फॉर अप स्कॉटी। मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। यस, इंटर मारिए।
तो आप देखेंगे एक्चुअली इसको वापस ठीक करना होगा, मुझे वापस सर्च मारना होगा। ये ट्रिक काम नहीं कर रही, आई डोंट नो व्हाई। नहीं तो आपके यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखेंगे आप, ग्रीन कलर कलर में एक लेयर जाएगी पूरी तरह आपके कंप्यूटर पे। ओके दोस्तों, थर्ड ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, डू द हार्लेम स्नैक। यस, जब आप ये क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ म्यूजिक बजने लग जाएगा। आप यहाँ से म्यूजिक को भी बंद कर सकते हैं क्योंकि, और ये यूट्यूब का आइकन हिलने लगेगा। तो इस तरह आप अपने इस वीडियो से आप नए नए यहाँ इस चैनल से आप नए नए वीडियोस देख सकते हैं और सीख सकते हैं उसके बारे में। ओके दोस्तों, फाइनली मैं एक बार और बता दूं कि ये आपको ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ पे लाइक कीजिए और इस वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे नए नए इसी तरह के से इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ इस वीडियो के बारे में कुछ कहना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा वगैरह वगैरह, और आपको कुछ पूछना है तो यहाँ कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों, सी यू।